नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोन सुथार। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उन अकाउंटेंट भाई लोगों के लिए है जिनको फुल फ्लेश यानी कि अपने दम पे किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंट्स जॉब करने का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग एक साल का हो चुका है। यानी कि उन्होंने फुल फ्लेश अपने दम पे फाइनेंशियली 2021-22 का, चाहे वो कंपनी छोटे लेवल की है चाहे वो कंपनी बड़े लेवल की है, यानी कि सारा ए टू जेड, चाहे वो अकाउंटिंग का काम हो चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड काम हो, सारा काम उन्होंने अपने लेवल पे यानी कि खुद के दम पे किया हो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर कुछ बेसिक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे जिसका सोल्यूशन हमें 31 मार्च 2022 तक हर हालात में कर लेना है। अगर उसके बाद हम करते हैं तो हो सकता है उन गलतियों की वजह से हमारी कंपनी को पेनल्टी लग सकती है या फिर कुछ हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं जो हमने पूरे साल में अकाउंट्स वर्क मेंटेन किया है, चाहे वो अकाउंटिंग चाहे टैक्सेशन, उसको हम एक बार दोबारा एनालिसिस करेंगे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हमारी कोई गलती हो गई है पूरे साल के दौरान तो हम उसको मार्च एंड तक उसका हम सुधार कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वो बेसिक पॉइंट, कौन से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम किस तरीके से देखना होगा, किस तरीके से हमें पोर्टल पे क्या कुछ देखना होगा, सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट है यानी कि आपका भी किसी कंपनी में जॉब करने का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग एक साल का हो चुका है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें क्योंकि इसी टाइप के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो हर अकाउंटेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2021 से लेके अभी तक हमने फरवरी 2022 तक जो भी हमने हमारा GST रिकॉर्ड हम पोर्टल पे दे चुके हैं, चाहे वो 3B की बात करें चाहे हम उसको GST R1 की बात करें, तो उस रिकॉर्ड को हमने जो पोर्टल पर अभी तक दे चुके हैं यानी कि रिटर्न हम अपलोड कर चुके हैं, उस रिटर्न को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ जरूर मैच कर लेना है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर अकाउंटेंट के साथ ये आती है जब हम एनुअल GST की रिटर्न फाइल करते हैं तब, या फिर इनकम टैक्स की जब ऑडिट हम कराते हैं तब हमारे साथ ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमारी सेल परचेज होती है वो कुछ अलग ही होती है और जो हमने पोर्टल के ऊपर जो दे दी वो कुछ हमारा और ही डाटा कुछ शो होता है। तो इसलिए हमें आज तक यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके और 28 फरवरी 2022 तक का आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड देख लेना है और आज तक आपने जो पोर्टल के ऊपर जो रिटर्न अपलोड करवा चुके हो अपने टैक्सेशन टैक्स प्रैक्टिशनर से, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो CEO, तो वहाँ से आपको एक बार अपना बुक्स का डाटा वेरीफाई जरूर करवा लेना है। अगर किसी कारण से अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको हमारी जो मार्च मंथ की जो रिटर्न अभी जानी है अप्रैल मंथ में उसके अंदर हम उसको उसका जो करेक्शन है उसको करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है भी हमारा जो बुक्स का डाटा है वो हमारी जो 3B के अंदर हमने जो सेल दिए उसके साथ हमें मैच कर लेना है और जो GST R1 के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड हम दे चुके हैं सेल का उसको 3B के साथ और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ जरूर उसको वेरीफाई कर लेना है क्योंकि कई बार क्या होता है हम बुक्स को देखते नहीं है, पोर्टल पर कुछ हमारा डाटा अलग शो करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग शो करते हैं। तो सबसे मेन जो मेजर पॉइंट है अकाउंटेंट, चाहे वो पुराना अकाउंटेंट है चाहे वो नया अकाउंटेंट है, ये समस्या हर अकाउंटेंट के साथ आज के टाइम में बनी हुई है। अगर हम इसको टाइमली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अगर मैच नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट होती है जब हमारी एनुअल रिटर्न फाइल होती है तब। तो सबसे पहला तो काम हमें ये करना है भी हमारी आज तक टोटल सेल हमें, ये सॉफ्टवेयर आपका कोई यूज़ कर रहे हो वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपकी टोटल सेल आपके पोर्टल पर जो आपने अपलोड करवा दिए उस सेल के साथ जरूर वेरीफाई कर लें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ये भी ITC मैच बुक्स वर्सेज पोर्टल 2A या फिर 2B के साथ, यानी कि आज तक हमने जो भी परचेज की एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रखी है सॉफ्टवेयर में तो जितना ITC हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें शो करता है तो क्या उतना पोर्टल ही हमारा
ITC वो हमारा पोर्टल पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम हमारी जो बुक्स की जो 3B रिटर्न है वो हम फाइल कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें पता लगता है भी हमारा ये जो परचेज इनवॉइस है ये रह गया था। हम बुक्स में परचेज की एंट्री तो कर लेते हैं बट उसको नेक्स्ट मंथ में उसका ITC एड करवाना भूल जाते हैं। तो अब ऐसी कोई दिक्कतें हो सकती है या ऐसा कुछ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट हमें बाद में मिला हो या हमने कोई बाद में इशू किया हो तो हमें बाद में पता चलता है, तो जिसकी वजह से हमारा ITC एज पर बुक्स और एज पर जो पोर्टल पर हमें GST की साइट पे 2B या 2A के अंदर जो हमें इश्यू होते हैं उसमें आपका डिफरेंस आएगा, यानी कि आपने 3B के अंदर ITC कितना क्लेम किया है और प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना ITC आ रहा है। तो इसको भी आप अपने पोर्टल पे जो 2AB और A के साथ भी आपको मैच कर लेना, भी ऐसा कोई इनवॉइस जो पोर्टल पे तो है लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर रहा हो तो उसको आप जरूर वेरीफाई कर लें, या आपके ने बुक्स में तो एंट्री कर ली लेकिन वो अभी तक 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में आपको साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है उसका ITC आपको उसका ना मिले, यानी कि बुक्स में है लेकिन पोर्टल पे नहीं है, तो ये आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है। आप अपने जो सप्लायर्स है यानी कि जिनसे आपने गुड्स परचेज किए तो उनको एक बार ये जरूर इन्फॉर्म कर दें ताकि वो भी अपनी मार्च मंथ की जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर उसको करेक्शन करवा दें। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये भी GST से रिलेटेड है, RCM की लाइबिलिटी। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड से अगर आपने सर्विस ली है, विशेषकर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर आपने ली है और आपकी कंपनी के ऊपर RCM डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी बनती है तो क्या आपने RCM इसको टाइमली डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया। कई बार क्या होता है, हमने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो ले ली लेकिन हम RCM डिपॉजिट करवाना ही भूल गए, तो आपको पूरे साल का जो डाटा है ऐसे को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको देख लेनी है। तो भी आपने अगर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से सप्लाईज करी, यानी कि आपका कोई गुड्स बाहर से आया हो और आपने उसका जो किराया है आपकी कंपनी पे किया हो लेकिन आपने उसके ऊपर RCM डिपॉजिट नहीं करवाया, तो ये आपको एक बार अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का जो लेजर आपने क्रिएट किया होगा बुक्स के अंदर उसको एक बार जरूर देख लेना है। अगर है और RCM नहीं जमा कराया तो आप मार्च मंथ की रिटर्न के साथ आप इसको करवा सकते हो। चौथा पॉइंट, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, एडवांस टैक्स। अगर आपकी कंपनी के ऊपर जो इनकम टैक्स है अगर वो टैक्स बनता है तो आपकी कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, भी आपको ये मार्च मंथ के अंदर, ये वैसे तो 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स है जो डिपॉजिट करवाना है, भी अभी तक आपने नहीं करवाया तो आपको अपने सेल के अकॉर्डिंग आपके अपने जो नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है और उस नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स आपका बनता है तो उसका आपको कुछ हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में डिपॉजिट करवाना होगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं करवाया तो आपको लगभग 90% आपको एडवांस टैक्स है जो डिपॉजिट करवाना कंपलसरी है, तो ये भी आपको देखना है भी आपने एडवांस टैक्स आज तक कितना जमा करवाया है और कितना बनता है। भी अगर आपका कोई टैक्स 2000 या 4000 बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी कंपनी का टैक्स लाखों रुपए में बनता है और एडवांस टैक्स आपने अभी तक कुछ भी नहीं जमा कराया तो ये आपको मार्च के अंदर जरूर जमा करवाना होगा। पांचवा काम, तो अगर आपकी कंपनी पुरानी चल रही है तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखनी होगी भी आपका लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आपकी इस प्रेजेंट टाइम इस यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का उसके साथ है जो बिल्कुल मिलान हो रहा है या नहीं रहा, कोई हाई ज़्यादा कोई जंप तो नहीं कर रहा या बिल्कुल लो में तो नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी हद तक तो हम इसको मार्च मंथ के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेट इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लास्ट ईयर की जो आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी या आपके पास जो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते वक्त आपने जो बैलेंस शीट बनाई होगी ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर नेट प्रॉफिट है तो वो आप एक बार अपनी लास्ट ईयर की यानी कि 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस शीट है वो 21-22 के साथ एक बार बुक्स के साथ हम कंपेयर जरूर कर लेंगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम है भी अगर आप कंपनी में डिडक्शन लेते हो, जैसा कि हमारी LIC होती है, कोई PPF अकाउंट है या अदर किसी भी टाइप की हम इन्वेस्टमेंट कर रखी है इनकम टैक्स में छूट लेने के पर्पज से, तो वो भी आपको कंप्लीटली मार्च मंथ के अंदर ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन है जो नहीं ले पाओगे। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है भी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी की उस प्रोपराइटर की वो आपको 31 मार्च से पहले पहले डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लायबिलिटी। तो अगर आपने किसी अनसिक्योर्ड लोन ले रखा हो या किसी भी आपने अनऑथराइज्ड पर्सन से अगर मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा हो तो उसके ऊपर भी आपको जो इंटरेस्ट है
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर बनती है, इंटरेस्ट देना बनता है, तो आपको इंटरेस्ट वहाँ पर भी उसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि कितना इंटरेस्ट उसका बनता है। अगर इंटरेस्ट बनता है तो आपकी कंपनी के ऊपर भी ये लायबिलिटी अगर बनती है तो आपको उसको TDS भी डिडक्ट करना होगा। तो ये भी आपको 31 मार्च तक उसकी जो टोटल है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वो जरूर देख लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम ऑडिट करवा रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि इस पार्टी का तो हमने जो इंटरेस्ट है वो डेबिट मतलब इसको दिया ही नहीं है। अगर दिया नहीं है तो हम बाद में देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे जो TDS जो डिडक्ट हमने करना था वो हमने बाद में जमा कराते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो ये भी आपको जो भी आपकी लायबिलिटी साइड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उसको एक बार देख लेना है, चाहे आपका वो क्रेडिटर है चाहे वो आपका अनसिक्योर्ड लोन है। उसके बाद में 8th पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, भी TDS और TCS को लेके, यानी कि आपने मान लीजिए किसी को कोई इंटरेस्ट पे किया है तो आपने कोई TDS डिडक्ट किया नहीं किया, आपने कोई रेंट पे किया हो उसके ऊपर आपने TDS की लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है नहीं बनती, या आपके किसी सप्लायर से आपने कोई गुड्स परचेज किया और आपकी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बनती है, आप उसको भी 94Q एक्ट के तहत आपका TDS है जो डिडक्ट करना है, भी वो आपने प्रॉपर सही तरीके से कर लिया या नहीं कर लिया। कई बार क्या होता है भी हमने कुछ मंथ का तो डिडक्ट कर लिया लेकिन कुछ मंथ का भी बकाया पड़ा होता है, या ऐसा एक आधा कोई इनवॉइस जो रह गया होता है जिसकी वजह से हमारा जो TDS है हम 94Q का डिडक्ट नहीं कर पाए हो, तो वो भी आपको पूरा डाटा परचेज के साथ एनालिसिस कर लेना है। और इसी तरीके से भी अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बनती है भी TCS कलेक्ट करना है सेल के ऊपर कस्टमर से, यानी कि अगर ऐसा कोई कस्टमर जिसके साथ आपने 50 लाख का जो टर्नओवर है कर चुका हो और आपके ऊपर तो कंपनी की, अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपकी कंपनी के ऊपर भी ये लायबिलिटी बन जाती है, भी आपको उस कस्टमर से TCS जो कलेक्ट करना है, भी आपके साथ कस्टमर का वो सारे सभी कस्टमर जो बड़े कस्टमर हैं उनका जो स्टेटमेंट है आपको लेके देख लेना है, भी क्या हमने उनको 50 लाख का जो हमारा टर्नओवर है वो एक्सेप्ट कर चुका है या नहीं कर चुका, कर चुका है तो क्या हमने उसके ऊपर TCS कलेक्ट कर लिया, नहीं किया तो अब इस मार्च मंथ के अंदर आपको विद इंटरेस्ट वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट और है, भी टोटल टर्नओवर आपको ये मैच कर लेनी है, भी अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा की है जा रही है, आपको लग रहा है भी मार्च तक हमारी 20 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान, तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ई इनवॉइस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन इशू हो चुका है 24 फरवरी 2022 को, भी अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी बनेगी 1 अप्रैल 2022 से, भी आप अपने रजिस्टर्ड कस्टमर को यानी कि B2B को, एक्सपोर्ट को, SEZ की अगर आप कोई सेल करते हो तो आपको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ आपका जो सप्लायर्स है भी अभी तक वो सप्लायर्स आपका सेल के परचेज के ऊपर आपका TCS है जो कट के आ रहा था, तो आपको अपने सप्लायर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जो भी हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है वैसे तो उसकी लिमिट 10 करोड़ की है, अगर आपकी कंपनी की 20 करोड़ हो चुकी है तो आप अपने उस सप्लायर्स को भी इन्फॉर्मेट करोगे भी हमें अब आप हमारा TCS है जो कलेक्ट मत करो, हम आपका 94Q के एक्ट में TDS है जो डिडक्ट करेंगे। तो ये सारी कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं जो हमें मार्च मंथ के अंदर कर लेने चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।